मेरे रश्के कमल तू ने पहली नजर, मेरे रश्के कमल तू ने पहली नजर, कहां भी तो वलाना तू रतिया, कहां भी तो प्रणाम। मैं हूं मनीष कुमार, राइटर, माँ वैष्णो रिकॉर्डिंग स्टूडियो दिल्ली से। जी हाँ दोस्तों, हमेशा उपस्थित होता रहता हूं कुछ ना कुछ कलाकारों को लेकर, कुछ ना कुछ स्टारों को लेकर। और आज मैं ऐसे एक स्टार से रूबरू करवाने जा रहा हूं जो कि बचपने से ही लेकर आज जवानी तक जो है संगीत की समुन्द्र में डूबे हुए इंसान। कई सारे अनगिनत ब्लास्ट ब्लास्ट गाने हैं, एल्बम है, जो कि मैं बखान करूं तो सुबह से शाम हो जाएंगे, एल्बम खत्म नहीं होने वाले हैं। इतने सारे गाने हैं। जिस शख्स का नाम मैं लेने जा रहा हूं, उस शख्स को लोग दीपक दिलदार के नाम से जानते हैं। बहुत ही ब्लास्ट गायकी, बहुत ही ब्लास्ट अंदाज है और ब्लास्ट कई सारे एल्बम है। आज माँ वैष्णो रिकॉर्डिंग स्टूडियो दिल्ली में दीपक दिलदार बैठे हैं उज्ज्वल कुमार म्यूजिक डायरेक्टर के साथ में। सो आज अभी देखिए हमारे समक्ष दीपक दिलदार, आज कुछ सुनाएंगे भी बताएंगे भी। देखिए दीपक दिलदार के बहुत सारे अनगिनत गाने अभी आ रहे हैं वेब म्यूजिक तमाम कई सारे बड़े बड़े चैनल से, ऑफिशियल दीपक दिलदार ऑफिशियल से भी आ रहा है, कई सारे गाने आ रहे हैं। बस आप लोग सुनते रहिए, प्यार देते रहिए। अगली आवाज हमारे दीपक बाबू का, दीपक दिलदार। जितना लोग देखो तानी सबके हाथ जोड़ के प्रणाम बा और प्यार स्नेह दुलार दीपक दिलदार पे सदा आप सबके बने रहला और भक्तशाली बने की आप सबके प्यार हमेशा बनल रहला और बनल रही उम्मीद बा। और आज माँ वैष्णो रिकॉर्डिंग स्टूडियो दिल्ली आए मैं मनीष भैया के साथ में बानी, भैया के स्टूडियो हो और यहाँ पे भाभी जी बानी, स्मिता जी और ये हमारा भतीजा उज्जवल जी म्यूजिक डायरेक्टर। मैंने इतना कम में सूर्य जैसे सूर्य भगवान छोटू की ले लेकिन वही पूरा संसार के कोई वही कर काम था कि देखे में छोट लगा था, लेकिन म्यूजिक के काम जो मैं तो बहुत बढ़िया सब म्यूजिक हरियाणवी पंजाबी भोजपुरी हिंदी साई भजन सब बहुत अच्छा लगा लेके। और हमारा सौभाग्य हुआ कि हम आज बहुत दिन के बाद भैया से मुलाकात भइल बा और हम बच्चा रहने तब से परिवार से जुड़ल बानी और इनके खेलौलो बनी बदी में तो आज सौभाग्य बात बा कि जरा खेलौलो बनी हमारे गाँव में बहुत बड़ बात बा। खैर बहुत अच्छा लागत आ हम अपन परिचय का दी और वो लोग के प्यार से दुलार बन रहला कुछ गुनगुना दे थे ना हो हिसाब में कहाँ भी तो लाना तुम करे
गाली दी ही रोतिया रोतिया कहाँ भी तमला ना बहुत बहुत धन्यवाद इसे छोड़ो ना और बहुत ये सुनाने का पूरा हमारे भाई सुन लो जुड़ल बा और हम जुड़ल बा कुछ ना कुछ करे का मौका मिलो एक और भी गाना कौन ये सेट मुझे रिकॉर्ड दबो का स्वागत माँ वैष्णो रिकॉर्डिंग स्टूडियो दिल्ली में। आज हमारे समाज की स्मिता सिंह बैठी हुई हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि मैंने बचपन से दीपक को देखा बहुत छोटे से गाते तो पहले भी बहुत अच्छा थे मगर आज रियली मैं भोजपुरी में मैंने ढंग से सुना है तो दीपक को सुना नहीं नहीं लेकिन लोग कहते हैं कि दीपक दिलदार जो इसे नाम दिलदार है वैसे काम भी दिलदार है गायकी भी दिलदार और गायकी भी दिलदारी वाली है कि दिल खोल के गाने वाली और लोग कहते हैं कि मिजाजी आदमी अगर संगीत का मिजाज बन जाए तो भाई साहब स्टेज हो चाहे वो स्टूडियो चाहे शूटिंग कहीं भी मजा हमता नहीं है मिजाज जो है दीपक दिलदार का जबरदस्त हमारे बीच देखिए आज बैठे हैं सब लोग आज भाई के साथ में हैं सारे लोग यहाँ पर और सब लोग एक एक करके हमारे बीच शैलेश प्रेमी देख रहे हैं जो की आज इनका भी कई सारे गाने लगातार बज रहे हैं हमारे बीच जो है चंचल जी राइटर हैं हमारे चंदेश्वर चंचल जी हैं विक्की राज जो कि रिया फिल्म से इनके कई सारे अनगिनत गाने इनके भी हिट चल रहे हैं स्मिता सिंह आप सभी की चहेती कलाकार भोजपुरी स्टार बाकी हमारे ऋषि राज जी हैं राइटर हैं हमारे क्या नाम है विवेक विकास बचपने से हम लोगों ने देखा है लेकिन आप तरक्की की सीढ़ी पे देख के बहुत ही खुश हो मतलब बहुत अच्छा लगता है बहुत खुशी आज भैया का मूड क्या बताए लेकिन हो गया ना दीपक और कुछ सुना दो कुछ बचपन वाला चीज तो यहाँ से खाए बहुत ही अच्छा लगा दौर कुछ और है गौरी शंकर के दुकान का हो पड़ोसिया एक मुखड़ा गाँव का है बाबू हिंदी का भी कॉम्पिटिशन के लिए करेंगे हाँ बाबू हिंदी के लिए भी करेंगे थोड़ा सा मुखड़ा गाँव का भोजपुरी खाई गई भोजपुरी ना आई है
बस मूड बन गया तने उखड़ा गया बहुत बढ़िया भतीजा के नती रे बोल रिकॉर्ड करा काहे रिकॉर्ड होई काहे रोज रिकॉर्ड होई अब तो भाई हां ई मूड है मिजाज ये रखते हैं सी सर सर ये गाना बहुत ही प्यारा लगा लेके फोन भैया फिल्म में एल्बम में गोल लगनी गायकी जो है ना दिन पर दिन जो है बढ़ती जा रही, इतना सुंदर गायकी हो गया है और मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मतलब आज दीपक दिलदार में एक सूफियाना गायकी झलक रही है, बिल्कुल रियल में।
कुछ नहीं है ऐसा नहीं लग रहा है की भोजपुरी के गायक हम सुन रहे हैं, मतलब गायकी में सुफियाना भी झलक रहा है, क्लासिकल चीज भी झलक रही है, बहुत ही अच्छी गायकी है और बहुत अच्छा लगा दीपक दिलदार आज माँ वैष्णो रिकॉर्डिंग स्टूडियो दिल्ली में आप सभी के चहेते कलाकार और हमारे श्रोताओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सबके प्रणाम, भाई भौजाई के प्रणाम और भाई भौजाई के साथ तो बहुत दिन पे लगभग 10 साल हो गए तो फिर भी बोली बोली मिला नहीं लगता है 20 साल से तो 15 साल से तो ये मिलने होने के समय आगे से म्यूजिक बनवाओ तुरंत मास्टर में लेटना हो म्यूजिक डायरेक्टर तो बनना बहुत बड़ी बात है लेकिन म्यूजिक करना बड़ी बात होता है। मैं दुनिया की सच्चाई में बोल रहा हूँ, हमारे बबुआ खुद कीबोर्ड प्ले कर ले ना हो और मीठी दीदी है क्या भैया अभी मेरे को भैया बुढ़ा गए बाबू खुद कीबोर्ड है वीडियो वगैरह सब बना देते हैं और रिदम भी काटते हैं अपने से बनाते हैं अलग अलग प्लगइन से काम कर ले और सबसे बड़ी बात की हिंदी हरियाणवी पंजाबी मैंने हर एक के मूड और अंदाज देखने अच्छा लग रहा था बहुत ही अच्छा। हमारे ढेर सारा शुभकामना आशीर्वाद था और ऐसे ही छाए रहिए और चकचक आते रहिए। चलते चलते हो गानों देखो हो जन ट्रेंड करो तो गानों तो सुना देखो हो गानों वाला वो गानों वाला बहुत बढ़िया गाना जो गाया है ट्रेंड कर रहा है इसको आप लोग जरूर सुनिएगा। अरे काहे खाती कोई लगाना मैं राजा है सब हर राखे के रोग नचनिया हो अरे काहे खाती कोई लगाना मैं राजा है सब राखे के रोग नचनिया हो। ये गाना बहुत अच्छा प्यार में ला एक और हमारा ऑफिशियल दीपक दिलदार ऑफिशियल से कावर फर्स्ट गाना रिलीज करी वाली और गाना के बोल रहा की मैंने तुम जाना क्या बॉयफ्रेंड आ गर्लफ्रेंड और मामला हम बोले तो लोग भाव था पूजा पाठ कर दे कुछ को मजा तो प्रेम प्रेम कैसे कुछ अंदर है कि धारो तारु जल होता हरे करे लो सुमारी प्यारी भोगे नीरे जल हो धारो तारु जल हो मलू हम पाल हो हरे करे लो सुमारी प्यारी भोगे नीरे जल हो तब कौन करी करी अरे शिव जी से कोई हाँ को हार हो बनती हम दूला ही तो हार हो अरे छूटे नहीं बाजो खुद के प्यार हो बनती हम दूला ही तो हार हो। ये भी रिकॉर्ड तोड़ने वाला जो है प्रेमी प्रेमिका के ऊपर जो है ये गाना है
भोले बाबा कांवड़ में ये दीपक दिलदार ऑफिशियल से रिलीज। अब जे जाला बाबा के दरबार में अपन अपन दुख सुनाला, मांगो मांगो मांगला तू हे भाव भा, बाकी रोड सब भी आई रहल गाना और ढेर सारा प्यार दिए के साथ माँ वैष्णो रिकॉर्डिंग स्टूडियो दिल्ली में हम लोग हैं और जय भोजपुरी जय माता।